चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल काउंसिल बड़गाम करनाल पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अब रिजर्व हुई है वहाँ से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब अपने 200 साथियों के साथ यहाँ ज्वाइन किए हैं। इससे आपको पता वहाँ ST रिजर्व की गई है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ऑलरेडी हमारे अब्दुल हमीद साहब वहाँ काम कर रहे हैं ST से और बाकी साथी कर रहे हैं, रातर साहब भी वहीं से हैं, हमारे अनीस साहब वहीं से हैं, हमारे मुजफ्फर खान साहब वहीं से, सब लोग काम कर रहे हैं। दिस गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू अस इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी और मैं मुबारकबादी देता हूँ इन सबको जिन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के अपनी पार्टी ज्वाइन की। ये एक और सबूत है ग्राउंड लेवल पे हमारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और एजेंडा को लोग किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी के चलते हुए लीडर साहिबान हमारे साथ मिल रहे हैं। कितने कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 200 लोगों ने इनके साथ ज्वाइन किया। जो आप अल्ताफ साहब, ईद उल फितर आने वाली है तो एक रिवायत होती थी कश्मीर में कि जो कैदी थी उनको रिहा किया जाए, चाहे तो जमात से भी वाबस्ता हो उनको रिहा किया जाता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आज ऐसा सिस्टम है ही नहीं, या क्या आप गुजारिश करेंगे दर्दी करेंगे मसले? बार बार ये बात कहते रहे हैं कि मिलिटेंसी हैज टेकन अ बैक स्टेज इन कश्मीर। अब अगर यहाँ कोई वबा है वो ड्रग्स की है। ड्रग्स के लिए हम सबको मेहनत करनी है, जैसे आपने देखा अपनी पार्टी ने शुरू किया है, हमने नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट्स मुहिम की है। इसी तरह इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है मजहबी जमातों का। मैंने पहले भी दरख्वास्त की है वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे मौलवी उमर फारूक साहब हैं, हमारे मौलाना दाऊदी साहब हैं, हमारे मुस्ताद मीरी साहब हैं, हमारे जमात इस्लामी सच जमात इस्लामी को पोलिटिकल एक्टिविटी पे अगर इतराज हुई है, अब उनके लिए लगता है उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिस जो मुल्क के मफाद में नहीं है, शुड बी अलाउड ताकि वो इसमें हमारी काफी मदद कर सकते हैं। बहरहाल जमात इस्लामी एक पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और एक पोजिशन उन्होंने ली थी। अब मुझे नहीं लगता है आज के दिन में जमात इस्लामी की वैसी कोई एक्टिविटी है जैसे बैन उठाना चाहे। दे शुड बी अलाउड टू डू रिलीजियस एक्टिविटी, क्योंकि ये तो हक है सबका। जैसे आपने कहा कैदियों की राय, हमारी तो कोशिश बदस्तूर जारी है। जो 8 मार्च 2020 को हमने शुरू की थी उस वक्त भी सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो लोग बाहर के जेलों में बंद हुए। अल्लाह के फजल से उस वक्त हम 1600-1700 लोग छुड़ाने में कामयाब हुए। जो हमने आजकल ये मुहिम शुरू की है इसमें हम नहीं कहेंगे हम हंड्रेड्स में छुड़वा पा रहे हैं, इक्का दुक्का तीसरा कहीं चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद है, आज मैं अपील करूंगा LG साहब से कि इस ईद के मुकदस त्यौहार पे अगर इन नौजवानों को रहा किया जाए जो मुख्य हैं और इनको नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। हम जो सीनियर सोसाइटी में उनके गांव में जो हेड्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं या विलेज हेड्स हैं या उनके माँ बाप हैं, सबसे मैं वार रहेंगे क्योंकि इस माशरे में आप रिकन